It's all right. Hush. सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपिमोटो ब्लॉग। सो गाइस, सब लोग कैसे, होप करता हूं सब लोग बढ़िया हो एंड बढ़िया रहे ना मेरे तरह। सो गाइस, देख पा रहे हो मेरे पीछे आज खड़ी हुई है न्यू बजाज फ्रीडम 125 नया सीएनजी मॉडल। आज हम लोग बात करने वाले इस बाइक के ऊपर, कितना प्राइसिंग है, फाइनेंस स्कीम क्या है एंड रिव्यू हर एक पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर दो एंड अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सो एवरीवन, फाइनली डीलरशिप पे न्यू बजाज फ्रीडम 125 आ चुकी है। सो आज हम लोग इस बाइक के ऊपर डिटेल्स पे बात करने वाले, इस पर आप लोग क्या क्या फीचर्स, क्या टेक्नोलॉजी एंड कितना ऑन रोड प्राइस एंड फाइनेंस स्कीम पे अगर आप लोग लेना चाहते हो, कितना लोएस्ट डाउन पेमेंट पे बाई कर सकते हो एंड पर मंथ कितना ईएमआई भरना पड़ेगा। इस मॉडल पे आप लोग को 6 वेरियंट देखने को मिलते हैं, ड्रम देन ड्रम एलईडी, मतलब फ्रंट के साइड पर डिस्क नहीं रहेगा लेकिन हेडलाइट जो है एलईडी रहेगा। एंड और एक तीसरा मॉडल है जो बेस वेरियंट है, जिसपे आप लोग को ड्रम विथ हेलोजन हेडलाइट सेटअप मिलेगा, उस पर एलईडी नहीं है। तो चलो गाइस, पहले किसे स्टार्ट करते हैं देन बाकी सारा फीचर्स एंड प्राइस के बारे में बात करेंगे। सो ऐसा कुछ की प्रोवाइड करता है बजाज का लोगों के साथ, नॉर्मल से की है, वेव की वगैरह नहीं है, लेकिन जो बजाज का दूसरा सब मॉडल आता है ना उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिजाइन के साथ क्यूट सा की मिलता है। सो की को डालते हैं की स्लॉट पर एंड फर्स्ट टाइम बजाज कंपनी जो है आप लोगों को बाइक्स के अंदर सीएनजी प्रोवाइड कर रहा है एंड आप लोग इस बाइक को पेट्रोल से भी राइड कर पाओगे। सो चलो इग्निशन ऑन करते हैं, लुक के बारे में बात करते हैं। सो ये जो है स्टॉप मॉडल है, जिसके वजह से फ्रंट के साइड पे फुल्ली एलईडी हेडलाइट सेटअप एंड बल्ब इंडिकेटर इधर पे प्रोवाइड करता है। इग्निशन ऑन करते ही लाइट जो है ऑन नहीं होता है, उसके लिए सेल्फ देना पड़ता है। सो बाइक को स्टार्ट करने के बाद हेडलाइट सेटअप जो ऑन होता है, एलईडी हेडलाइट एंड अपर डिपर करने के बाद ऐसा कुछ लुक मिलेगा। सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाइस इधर पे फिट होगा। फ्रंट के साइड पे फ्रीडम का ब्रांडिंग मिलता है विथ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड उसके ऊपर प्रोटेक्शन भी है। ये जो पार्ट है गाइस फाइबर के साथ है, सो इससे फायदे है गाइस धूल मिट्टी कचरा जो है ना सस्पेंशन को खराब नहीं करेगा। 240mm का रोटर है, ABS वगैरह नहीं है लेकिन CBS मिलता है, मतलब कॉपी ब्रेक सिस्टम। इधर पे आप लोग मैकेनिज्म देख पा रहे हो, अगर मैं रियर ब्रेक को अप्लाई करता हूँ ना ऑटोमेटिक फ्रंट ब्रेक एंगेज होगा एंड अगर मैं फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करता हूँ सो ऑटोमेटिक रियर ब्रेक एंगेज होगा। टायर्स एंड व्हील्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, रोड एंड ऑफ रोडिंग दोनों पर ही राइड कर पाओगे। अलॉय व्हील का डिज़ाइन आप लोग चेक कर पा रहे हो, उसके ऊपर ग्राफिक्स भी है। 90x80 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर, 17 इंच का अलॉय व्हील, फ्रंट जो मडगार्ड है डुअल टोन कलर थीम के साथ है, ब्लैक ग्लॉसी एंड इधर पे सिल्वर। ये जो पार्ट है गाइस फाइबर के पार्ट है। सो नेक्स्ट इधर पे आप लोग नोट कर पा रहे हो, अच्छा खासा रॉड से ना इधर पे प्रोटेक्शन आप लोगों को प्रोवाइड करता है। फ्रीडम एंड बजाज का 3D एम्बलम ग्राफिक्स वगैरह मिल जाएगा एंड ये जो है गाइस ब्लैक कलर है, और एक कलर थीम मिलता है जो मैं गाइस राइड रिव्यू वाला वीडियो पे आप लोगों को दिखाऊंगा, वो सिल्वर टैंक के साथ है। एंड इधर पे ना छोटा सा आप लोग एक मीटर प्रोवाइड किया है, इधर पे जैसे देख पा रहे हो मीटर पे 150 है। सो ग्रीन पे है, ये जो नॉब है अगर ग्रीन पे रहेगा सो गैस जो है प्रॉपर है, अगर रेड मतलब 50 एंड 0 पे अगर जाता है रेड पे सो थोड़ा दिक्कत है गाइस, ये एक बात है। इधर पे मीटर मिलता है सीएनजी के लिए एंड 2 kg तक आप लोग सीएनजी फिल कर सकते हो एंड 2 लीटर तक पेट्रोल जो आप लोग फिल कर सकते हो। इधर पे टैंक को खोलने के बाद इधर से आप लोग पेट्रोल, सो एक क्वालिटी मुझे थोड़ा ख़राब लगा, मतलब नॉर्मल सी क्वालिटी है प्लास्टिक का। एंड इधर से आप लोग सीएनजी जो है फ्यूल अप कर सकते हो एंड सीएनजी टैंक भी मैं गाइस आप लोग को दिखा देता हूँ। सो सीट के नीचे पे इधर पे आप लोग की स्लॉट प्रोवाइड करता है, आराम से इधर पे की को घुसाने के बाद सीट को जो आप ओपन कर पाओगे। सो सीट खोलने के बाद अंदर के साइड पे बैटरी देन सीएनजी टैंक प्रोवाइड करता है, सीट को लगा लेते हैं गाइस। पहले सीट का लेंथ बहुत ही ज्यादा है, मतलब मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, 4 बंदे आप लोग आराम से इस बाइक पे बैठ सकते हो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा सीट आप लोग प्रोवाइड करता है एंड जो सीट कवर है इसका डिज़ाइन देख पा रहे हो डिफरेंट है। कुशनिंग गाइस मीडियम सॉफ्ट मिलेगा, सिंगल ग्रैब रेल एंड ओवरऑल जो लुक है इस मॉडल का अगर आप लोग देखते हो थोड़ा सिटी 110 या सिटी 125 की तरह, मतलब रफ एंड टफ डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। इधर पे एफ है, एफ का डिज़ाइन मिलता है ग्राफिक्स के ऊपर देन थोड़ा सा डैशबोर्ड की तरह। इधर पे साइड पैनल मिलता है, ये जो है फाइबर का है एंड इधर पे NG04 का ब्रांडिंग। सो इधर पे तो 2 छोटे छोटे हुक मिलते हैं जिससे बंजी कॉर्ड से आप लोग कुछ भी सामान वगैरह ना इधर पे बांध सकते हो। सिग्नेचर ऑन करते हैं एंड गाइस आप लोग रियल लुक दिखाता हूँ। सो रियर के साइड पे एलईडी टेल लैम्प बल्ब इंडिकेटर प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी नंबर प्लेट 2 फीटों का, रियर के साइड पर रिफ्लेक्टर है एंड दोनों तरफ आप लोग को रिफ्लेक्टर मिल जाएगा।
सा टेल टेडी की तरह फील है। टायर हगर प्रोवाइड करता है फाइबर के साथ, डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है इन सीरीज पे जैसे मिलते हैं ना वैसे नहीं है। एंड अंदर के साइड पे छोटा सा और एक मडगार्ड, मोनोशॉक सस्पेंशन प्रोवाइड करता है रेड कलर टच के साथ। एंड रियर का लुक मुझे पर्सनली गाइस बढ़िया लगा। एंड अगर लेफ्ट साइड पे चलते हैं सो लेफ्ट साइड पे साड़ी गार्ड विथ लेडीज फुट रेस्ट ओपन चेन सेटअप मिलता है। सो 500 किलोमीटर के बाद चेन को क्लियर लुक करने की जरूरत पड़ेगा। छोटा मोटा इधर पे अच्छा खासा प्रोटेक्शन है, डुअल स्टैंड साइड स्टैंड दोनों ही प्रोवाइड किया है। प्लेन राइडर फुट रेस्ट वो भी डिफरेंट है, रबर कोटिंग के साथ फोल्डेबल। राइडर फुट रेस्ट फोल्डेबल नहीं है लेकिन रबर कोटिंग मिलता है। सो अभी बात करते हैं माइलेज के बारे में। कंपनी क्लेम कर रहे टोटल इस व्हीकल को अगर सीएनजी एंड पेट्रोल दोनों दोनों को भराते हो सो देन आप लोग 630 किलोमीटर टोटल राइड कर पाओगे। मतलब 2 kg सीएनजी पे 200 किलोमीटर एंड 2 लीटर पेट्रोल पे 130 किलोमीटर का माइलेज प्रोवाइड करेगा। सो ओवरऑल कार्गो वेट है 149 kg एंड ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करता है 170 mm। इधर पे छोटा सा बेली पेन प्रोवाइड किया है एंड फ्रंट के साइड पे एल्युमिनियम का पार्ट है एंड देन फाइबर का पार्ट जो है ब्लैक है। सीट हाइट है 825 mm। सो सीट हाइट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब अच्छा खासा हाइट चाहिए इस बाइक को राइड करने के लिए। सही बात करते हैं इस इंजन के बारे में। बेसिक्स कॉम्प्लेंट ओवरी टू फेस टू का अपडेट के साथ एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड 125 cc 9.3 bhp एट द रेट 8000 rpm प्रोड्यूस करता है एंड टॉर्क 9.7 Nm एट द रेट 6500 rpm। किक स्टार्ट प्रोवाइड करता है, अगर किसी भी टाइम में बैटरी डेड हो जाए ना उस टाइम पर राइडर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इनक्लाइन इंजन नहीं है गाइस, फ्लैट इंजन प्रोवाइड करता है एंड 5 गियर ट्रांसमिशन मिलेगा हिल एंड टो दोनों शिफ्टर के साथ। बजाज का लोगो देखने को मिलेगा, DTS टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसा कुछ। कंपनी फिटर लेग गार्ड एंड देख पा रहे इधर पे CNG का पाइप वगैरह आप लोग देखने को मिल रहा है। सो चलो बाइक को करते हैं स्टार्ट एंड गाइस आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट चेकआउट करवाता हूँ। अभी जो बाइक है ना CNG पर है। सो ये जो है गाइस आइडल साउंड है CNG का। अभी टर्न करते पेट्रोल पर। सो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बटन को दबाओ एंड थ्रॉटल दो। सो पेट्रोल पे कन्वर्ट हो गया एंड पेट्रोल का कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट है। सो पेट्रोल एंड CNG का दोनों का एग्जॉस्ट नोट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मुझे ज़्यादा बेस एंड साउंड बढ़िया लगा पेट्रोल का एंड CNG पे थोड़ा सा डिफरेंट एग्जॉस्ट नोट प्रोवाइड करता है। सिल्वर कलर का इधर पे रॉड वगैरह आप लोग देख पा रहे हो जिसके लिए लुक्स बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ प्रोवाइड करता है। देन O2 का सेंसर कैथोलिटिक कन्वर्टर के ऊपर मिल जाएगा। एग्जॉस्ट के ऊपर भी मफलर है सिल्वर कलर कोटिंग के साथ। छोटा सा क्यूट सा आप लोगों को एग्जॉस्ट प्रोवाइड किया है फ्रंट टायर के तरह ही, मतलब रियर पर भी रिम के ऊपर स्टिकरिंग है। 120x70 cc ट्यूबलेस टायर, 16 inch का अलॉय व्हील। रियर टायर लुक चेक करो, मतलब जो प्रोफाइल है बढ़िया लुक प्रोवाइड करता है। अगर आप लोग ओवरऑल बाइक का लुक के साथ आप लोग चेक करते हो तो बढ़िया लग रहा है गाइस। सही बात करने वाले मेरा फेवरेट पार्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। फुल्ली डिटेल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। इग्निशन ऑन करते ही हाई इधर पे देन लेट अस राइड देखने को मिल जाएगा एंड पेट्रोल मोड पर है वो इधर पे शो कर रहा है। ओडोमीटर स्पीड गियर पोजीशन इंडिकेटर क्लॉक प्रोवाइड करता है एंड CNG पे इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी गियर पोजीशन इंडिकेटर एंड CNG कितना है वो लेवल सेल आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन पेट्रोल पे वो सेल नहीं है, मतलब कितना पेट्रोल है वो आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे शो नहीं करेगा। देन इधर पे एक छोटा सा बटन है जिससे आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल कर पाओगे। ट्रिप ए पे कितना माइलेज दे रहा है, ट्रिप 2 क्लॉक सेटिंग ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑन ऑफ करने के लिए, इधर पे कोड आ रहा है फ्रीडम का। सो बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड है। ऊपर के साइड पे न्यूट्रल इंडिकेटर अपर डिपर CNG पेट्रोल का वार्निंग देन इंजन चेक लाइट। हैंडल बार जो है बहुत ज़्यादा अपराइट है, बीच में एक रॉड मिलता है जिसपे हुक वगैरह मोबाइल माउंट वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। लेफ्ट साइड पे कॉल रिसीव करने के लिए देन CNG पेट्रोल का बटन, अपर डिपर एंड पासिंग एक ही बटन पर है, इंडिकेटर एंड हॉर्न ऐसा कुछ हॉर्न है लाउड। राइट साइड पे हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए बटन नहीं है लेकिन सेल्फ का बटन मिल जाता है एंड साइलेंस शटर है। जब भी आप लोग सेल्फ दोगे सेल्फ का साउंड नहीं मिलेगा। इधर पे मेटल का बारेंट मिलता है। क्लच गाइस बटरी स्मूथ है, मैं राइड रिव्यू वाला वीडियो पे आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। मिरर का डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, फुल्ली ब्लैक प्रोवाइड करता है। सभी बात करते हैं इस प्राइसिंग के बारे में। अगर आप लोग डिस्क LED वेरियंट को बाई करते हो इन कोलकाता ऑन रोड प्राइस है 1,32,270 rupees एंड जो ड्रम LED है उसका अगर आप लोग बाई करना चाहते हो उसका अपडेट ऑन रोड प्राइस है 1,26,730 rupees एंड जो ड्रम बल्ब है मतलब बेस वेरियंट
उसका अपडेटेड ऑनरोड प्राइस है 1,15,630 रुपीज। मैं गाइस L&T फाइनेंस स्कीम बता रहा हूँ, लोएस्ट डाउन पेमेंट अप्रोक्स 20,000 तक कर सकते हो एंड 3 ईयर के लिए अगर लोन करते हो पर मंथ EMI भरना पड़ेगा 4,000 एंड 4 ईयर के लिए अगर लोन करते हो पर मंथ EMI भरना पड़ेगा 3,600 रुपीज़। 8.99 का गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो गाइस यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना एंड अगर आपको और भी कुछ क्वेरी है जरूर गाइस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो गाइस जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सो बाय।